हाँ तो अब हम करेंगे कि आगे, तो ठीक है, हमने इससे पहले जितना भी किया था उससे पहले हमने लास्ट में किया था व्हाट हैपेंड बिकॉज यू ऑलवेज, मतलब उसमें इसके पापा ने लास्ट में एबिट को रिप्लाई किया कि तुम्हें इसलिए ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा उसको पत्थर मारते थे, तुम हमेशा उसे डिस्टर्ब परेशान करते थे। उसके बाद ठीक ओके नक्षी रीड करो आप यहाँ से यहाँ तक। है। वेब कहाँ तक? ओ अच्छा। वेन यू आ वेन रन आफ्टर द बॉल एंड पिकेड, अच्छा पिकेड इट, बट मैम ये इधर तीन लाइन बेटर हो गई है जिधर आपने निशा लगाया छुपा हुआ है। इस यहाँ लिखा है मतलब कि व्हेन यू रन आफ्टर द बॉल एंड पिक्ड इट अप, जब तुम बॉल उठाने गए थे तब बॉल उठा के तुम भागने लगे, रन आफ्टर द बॉल, बॉल उठाने के बाद तुम भागने लगे। उसके बाद द डॉगी, डॉगी ने सोचा कि तुम उसे दोबारा से हर्ट करने आए हो, ठीक है, तो उसने हर्ट किया एंड सो उसके बाद इट बाइट यू, फिर उसने तुम्हें बाइट किया। चिल्ड्रन वी मस्ट रिमेम्बर नेवर टू बी हर्ट एनी एनिमल, हमें हमेशा ये याद होना चाहिए कि हम किसी भी एनिमल्स को हर्ट ना करें। यस मैम, जैसे जैसे हम हैं, जैसे हमें हमें कोई हर्ट करता है हमें इतना पेन होता है हमें इतना दुख होता है, वैसे ही आप किसी भी एनिमल को किसी भी जानवर को हर्ट करते हो तो उसे दुख ऑब्वियसली होगा। ओके यस मैम, यस गया था एनिमल टू फील पेन, एनिमल फील पेन, एनिमल्स को भी पेन फील होता है बिकॉज वो भी लिविंग थिंग्स है, वो भी जीने वाली चीज है, जानना है। यस जिन भी मैम, चीजों को भूख लगती है, जिन भी चीजों को रोना आता है, जिन भी चीजों को वो बढ़ते हैं, जो दर्द भी चीज बढ़ती है, जो भी चीज खाती है, जो भी चीज पीती है, महसूस करती है, सांस लेती है, वो सारी चीजें लिविंग थिंग है, यानी वो सारी चीजें जिंदा है। अब हम एक हाँ यहाँ मैं पर जानता एग्जाम्पल लेंगे पेड़ का। रक्षी बीच में ना आप नहीं बोला करो। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे पेड़ का, पेड़ एक लिविंग थिंग है यानी जिंदा चीज है, कैसे? अब ये डाउट होता है कैसे, मैंने बोला कि जो भी चीज बढ़ती है वो चीज जिंदा होती है। अब एक पेड़ है, अब आप मानो एक पेड़, आप अपने एक पौधा लगाया, कई बच्चों ने पौधा लगाया होगा, पौधा लगाया छोटा सा, उसके बाद क्या हुआ वो हर रोज उसको पानी डालते थे। अब पानी जो है वो इसका खाना है, वो पानी लेने के बाद उसका एक वो खाना बनाती है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो अभी आपके काम का नहीं है। तो जब आप इसे पानी डालते थे तो क्या होता था, जब आप पानी डालते थे ना तो उसकी जो जड़ थी, जड़ रहती है ना पेड़ों के नीचे ऐसे ऐसे, हाँ, यस मैम, तो उस जड़ ने वो पानी लिया यानी उसको खाना मिला उसका, तो फिर उसने क्या किया, जब उसको खाना मिला फिर वो धीरे से बड़ी हुई, फिर उसके बाद सबसे पहले उसमें क्या हुआ, सबसे पहले वो बड़ी हुई, फिर उसमें बी मतलब छोटे छोटे मतलब फल आए छोटे छोटे, उसके बाद वो बड़ी हुई, फिर उसके बाद थोड़े पत्ते आए, फिर वो जो फल था वो फल थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो फल क्या हुआ एक वो फल फिर फ्लावर में बदल गया। बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, पहले फ्लावर बनते हैं फिर फ्रूट बनते हैं या फिर पहले ही फ्रूट बन जाते हैं, तो वो पहले छोटा सा बना उसके बाद बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, तो अभी वो कच्चा है, फिर तुमने पानी देते रहे देते रहे देते रहे, वो बड़ा हो गया, वो पक गया, मान लो पक के वो गिर गया तो वो पका गया, वो पका गया। अब हम लोग पेड़ काटते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता, या लोगों को पता है फिर भी ये तो जरूरत है पेड़ काटना, लेकिन जब कोई पेड़ काटता है ना तब उस पेड़ को भी दर्द होता है। ये जितनी भी नोटबुक्स है ना, ये पेजेस जितने भी है ना, ये पेजेस हमारे पेड़ से ही बनती है, ये पेड़ ही है जो हमें पेज देते हैं, पे यहाँ के ये जो स्टेम है इसको हम स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेम, स्टेम मतलब ये जो लकड़ी होती है ना यहाँ की उसको बोलते हैं। तो ये स्टेम को काटा जाता है, फिर इनको फैक्ट्री ले जाया जाता है, फैक्ट्री में इनकी पतली 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 बनती है, फिर इनमें कलर किया जाता है, जो भी किया जाता है, लेकिन इस पेड़ की वजह से ही हमें आज नोटबुक्स विद्या वगैरह मिल रही है। इसीलिए यस पेड़ उगाओ, ठीक है, जितना हो सके उतना
पेड़ उगाओ, हर साल अपने से प्रॉमिस करो, अभी ये न्यू ईयर हमारा चल रहा है, हमारा जनवरी चला गया, हमारा फरवरी आ गया, अपने आप से फरवरी में प्रॉमिस करो कि मैं फरवरी में एक पेड़ कहीं बाहर, हम मान लो रोड पे जाते हैं, रोड पे हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं, अगर आपके हाथ में कोई बीज भी है, उस बीज को अगर आप वहां पे पेड़ में, वहां नीचे मिट्टी में अगर डाल दो ना, तो वहां एक सुंदर सा पेड़ उग जाएगा, जहां जिस चीज की वो बीज है। क्यों? क्योंकि या तो पानी आप अगर नहीं दे सकते तो क्या होता है कि बारिश अपने आप, ऊपर वाला अल्लाह भगवान अपने आप ही बारिश कर देते हैं, जिसको जरूरत होता है वो पानी ले लेते हैं। इसीलिए बिल्कुल हर महीने खुद से, हर महीने खुद से, ये तो मैं आप लोगों को चलो एक अच्छी हैबिट बता रही, हर महीने खुद से हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं इस दुनिया में आया हूं, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है, और मैं हर रोज एक पेड़ लगाऊंगा, हर रोज नहीं सॉरी, हर महीने या फिर साल में 3-4 बार अपने से प्रॉमिस करो कि मैं बर्थडे के दिन अपना पेड़ लगाऊंगा, एक पौधा लगाऊंगा। उससे क्या होगा, जो विद्या आपको मिल रही है, जो नोटबुक आपको मिल रही है, वो आगे खत्म नहीं होगी इन फ्यूचर में। और इससे क्या होगा, इससे एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण ही शुद्ध होगा। शुरुआत अगर हम करें तो इससे हमारी जो दुनिया है ये भी सुधरेगी, है ना। यस मैम, हर महीने आप लोग देखो, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को हर महीने पेड़ लगाना चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हर महीने, चाहे अपने घर पे गमले में पेड़ लगाओ, लेकिन उसका देखभाल करो। देखभाल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने ये याद रखा करो कि जैसे जनवरी का 1st तारीख शुरू है, तो इस 1st तारीख में मैं, अल्लाह ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अल्लाह ने तो मुझे, मेरे को आंख दी, पैर दिया, मुझे जीने के लिए दुनिया दी, माँ बाप दिया, मैं उसको, अल्लाह को क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ। तो हर महीने आपको 1 तारीख को एक पेड़ लगाना चाहिए। ओके हाँ, एक पेड़ लगाना चाहिए हर महीने, कोशिश करो, लेकिन पेड़ ना आप लोग लगाया करो, ठीक है। फिर ओके क्या, हमारा मैम, एनवायरनमेंट का मतलब है ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये जब भी अच्छा है जब तक पेड़ है, ठीक है। ओके, तो वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टूवर्ड्स देम, हमें हमेशा इनके लिए दयालुता रहनी चाहिए, हमें हमेशा इनसे प्यार करना चाहिए। एबिट जो था वुड नॉट हैव बीन, अगर अगर उसने डॉग को कभी मारा या हेट नहीं किया होता ना, तो डॉग ने भी उसको बाइट नहीं करता। इफ ही हैड शो काइंडनेस टूवर्ड्स इट, अगर उसने, अगर एबिट ने डॉग को अपनी दयालुता दिखाई होती कि नहीं हम भी इंसान हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तो डॉग जो है वो कभी भी एबिट को बाइट नहीं करता, बिकॉज उसको प्रूफ हो जाता कि नहीं एबिट अच्छा लड़का है। लेकिन क्या होता था, डॉग उससे डरता था, और जब ये बॉल लेके भागने लगा ना, तो इसको लगा ये तो मुझे मारेगा, इसलिए डॉग ने उसको काटा, ठीक है। यस यस मैम, मैम, बाकी पूरी स्टोरी जानने के लिए पुरानी वाली वीडियो देखना, और अब हम ओके करेंगे मैम, इसका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है पेट एनिमल इज द, तो इसमें अब आपसे पूछा है पेट एनिमल, तो ये मैं पूछती हूँ गुरुबा से, तो पेट एनिमल गुरुबा आपको पता है क्या होता है? नहीं पेट एनिमल वो होता है जिसको हम घर पे रखते हैं। हमने अभी जो वीडियो मैंने ग्रुप में सेंड किए, वो वीडियो पहले देखना, उसमें बता रखा है मैंने। पेट मैम, एनिमल वो होता है पालतू जो, पेट एनिमल वो होता है जिसको हम घर पे रखते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल, डॉग हो गया, कैट हो गया। तो अब इसमें पूछा है पेट एनिमल इज द, वो कौन है? इसमें है एलिफेंट, डॉग, फॉक्स यानी लोमड़ी, लॉयन यानी शेर, एलिफेंट यानी हाथी, डॉग यानी कुत्ता, इनमें से कौन सा है गुरुबा, बताओ। डॉग यस, डॉग। डॉग वो एनिम वो डॉग वो पेट है जिसे हम घर पे रख सकते हैं। एलिफेंट तो इतना बड़ा हो जाता है, उसको हम नहीं रख पाते हैं, और फॉक्स लोमड़ी होती है, लायन को भी नहीं रख सकते हम, लेकिन कई सारे लोग अब इसको फॉलो करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेट आर कीप्ड एट इन, अब ये क्या है, ये है केज। केज क्या होता है, केज क्या होता है, पिंजरा, मैं पिंजरा, केज होता है गुफा, होम होता है घर, और ये क्या है, फॉरेस्ट, फॉर्स,
ओके फोर्स नहीं है, फोर्स है, लेकिन अब नीचे वाला एक काम करो, मैं वो वाला बता दूंगी, फोर्स वाला आप मुझे बताओ। जू, जू क्या होता है, जू को हम क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर, 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 या यू आर राइट। फोर्स होता है बल, बल आपको पता है क्या होता है? नो मैम, ओके, बल मुझे भी नहीं पता क्या होता है। यहाँ पर आ रहा है किप्टर एनिमल एट इन, मतलब हम एनिमल को कहाँ रखते हैं या कहाँ रख सकते हैं, तो इनमें से हम क्या कहेंगे ये बताएगी मुझे रक्षी। मतलब हम एनिमल को पैथ आर कि किट्स लाइक किट्स एट इन मैम, बस इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। मैंने बता दिया इसका हिंदी। अच्छा, पैट आर किट, पैट माने तो एनिमल पालतू देखो ये दोनों ना का। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा ये जो स्टोरी थी, जो ये स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी, ये पूरी स्टोरी आप सभी को रीड करके भेजनी है। गुरु अरिबा अरे आपने भेजी थी, लेकिन अरिबा बेटा आप दोबारा से भेजोगे, ठीक है? ओके मैम, आपने मैंने रीड तो बहुत खुश स्क्रीनशॉट भी हुआ कर था। लिया था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी आप लोग रीड करके भेज देना। अच्छा इसका आंसर है जू। जू में हम लोग सारे जानवर या पेट हो, चाहे डॉग हो, मंकी हो, गोरिल्ला हो, कोई भी पेट्स हम जू में रख सकते हैं। और यस पेट मैम, आर क्यूट, पेट इसमें पेट पूछा है, पेट यानी जो हम घर पे रखते हैं, तो पेट्स एनिमल आर कीप्ड, हम रखते हैं घर पर, होम, यहाँ होम आना है, इसका आंसर ये है, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट है, ओके, ये क्वेश्चन है अरीबा आप, ये अरीबा आपसे, एबिट यस वाज बाइट बाय ए, एबिट को बाइट किसने किया था, स्नेक ने, कैट ने, डॉग ने, या फिर? डॉग वेरी गुड, बहुत अच्छे, डॉग ने। नेक्स्ट है हमारा, द पेट एनिमल विच गिव यू मिल्क इज आर द, कौन सा पेट एनिमल है जो आपको दूध देता है, ये बताइए मुझे। गुरुबा? बताऊं मैम, नहीं, गुरुबा, काओ, गॉड, बिफेलो, या ये सारी, ऑल ऑफ दिस, ये सारी। देखो बच्चों, मैं आपको ना आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी किसे मतलब क्या होता है। काओ यानी होती है गॉट यानी बकरी, बफेलो यानी जो काली कलर की भैंस होती है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है ये सारा, और नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है? अब मैम, मैंने बहुत इंग्लिश बता दी है। चलो गुरुबा मुझे बताओ कौन सा है। दिस ऑल ऑल ऑफ दिस, रिपीट अगेन, ऑल ऑफ दिस, एवरीवन म्यूट योर माइक एंड से अगेन, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, दिस वेरी गुड, गुड, ओके। नाउ देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिविंग वर्ड्स, देयर इज हेल्पिंग बॉक्स, एनिमल, फ्रेंड, हर्ड, डॉक्टर, सो देयर इज हेल्पिंग बॉक्स एंड देयर इज क्वेश्चन आंसर। ओके, ये हमारे हेल्पिंग बॉक्स, इसमें से आपको वर्ड्स यहाँ रखने हैं, बट इस बार एक ट्विस्ट है, वो ये है कि मैं यहाँ पर हिंदी का यूज आप सबके लिए बहुत कम करूंगी, मतलब मैं आप सभी को ये सब ट्रांसलेट करके नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों को काफी कुछ आ गया है, और ज्यादा हम किसी की जब हेल्प लेते हैं ना, तो हम लोग ना फंस जाते हैं, हम उस चीज को नहीं सॉल्व कर पाते। अब मान लो आप एक बिल्डिंग में फंस जाते हो, अगर आप एक बिल्डिंग में फंस जाओगे, किसी से आप फोन पे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं किसी बिल्डिंग फंस गया, वो आपको सजेशन देगा इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, लेकिन आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास फोन
अगर नहीं होगा तो आप अपने आप ही सॉल्व करोगे ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अगर आपको भूख लगेगी तो आपको बाहर जाना पड़ेगा ना। यस मैम, यस मैम, आंसर मी। हाँ, ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना सीखो, ठीक है? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन गुरुबा, सेकंड वाला रक्षी, थर्ड वाला रीबा। तो फर्स्ट वाला एनिमल आर मैन बेस्ट, यहाँ क्या आएगा? एंड रक्षी रीड योर क्वेश्चन एंड देन गिव मी आंसर, एंड रीबा यू ऑल्सो। Man, friends. Wow, very good. सबसे बेहतरीन सही आंसर दिया है आज आपने, वेरी गुड। देखो यहाँ हमें पता चल रहा है, यहाँ एनिमल्स मतलब जानवर, मैन यानी इंसान, बेस्ट यानी सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैन और ये बेस्ट एनिमल और बेस्ट क्या हो सकते हैं, ये दोनों मिला के क्या होता है बेस्ट, बहुत अच्छे क्या हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। अब ये तो डॉक्टर हो नहीं सकते, एनिमल हो नहीं सकते, हर्ट कर नहीं सकते, तो ये फ्रेंड होते हैं ना बेस्ट। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड गुरुपा। ओके नेक्स्ट इज रक्षी। यस मैम, ले देयर इज गॉट फ्रॉम मैनी एनिमल, या एनिमल को कहाँ रखा जाता है? जू मैम, जू। देर इज नो जू, यहाँ क्वेश्चन में आपको जू नहीं दे रखा। ओके अरीबा, यस मैम, या रक्षी, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, बट ये हिंदी आपको नहीं पढ़ना आया। सॉरी मैम, लेदर, लेदर इज गॉट फ्रॉम एनिमल, लेदर होता है चमड़ा, चमड़ा कहाँ से आता है? एनिमल से, बहुत सारे, फ्रॉम मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स। आंसर आपका ठीक है बट आपने इसको सोचा बिल्कुल भी नहीं है, आपने जस्ट आंसर दे दिया, बट आपका आंसर ठीक है लेकिन आपको मतलब भी पता होना चाहिए था। ओके एंड अरीबा बताओ यहाँ क्या आएगा? ओके ये वाला रक्षी आप सॉल्व करोगी, सोचो आप। यस, अब मुझे कौन बताएगी? ये वाला आप सॉल्व करोगी, डी वाला। मैं ओके मैम, अपने आप पहले सॉल्व कर लो, जब अरीबा का हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। यस अरीबा, आंसर मी। क्या नहीं आ रहा है मुझसे पूछ सकती है मैम? कसामिड, एग्जामिंड, एग्जामिंड। एंड लड़के का नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? एबिड, एबिड। ओके तो एग्जामिंड बिड द, तो यहाँ क्या आएगा? अरीबा आप बताओ, चलो जब तक मैं रक्षी का आंसर ले लेती हूँ। रक्षी आंसर करो, वी मस्ट रिमेम्बर नेवर टू बी, यहाँ पर क्या आएगा रक्षी? ओके मैम, वी मस्ट रिमेम्बर, Say again, remember. Okay, ma'am. Remember. Remember means क्या होता है? याद रखना. Remember means याद रखना. याद रखना. Okay, ma'am. We must remember never to animals. यहाँ क्या है? Okay, ma'am. Just 1 minute. Animals. हर्ट, इतना टाइम नहीं लगता रखी, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी जानवर को हर्ट नहीं करना, वी मस्ट नेवर नेवर टू बी हर्ट एनी एनिमल। ओके अब अरीबा आपका आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, यहाँ पर आएगा डॉक्टर।
द डॉक्टर एग्जामिनेट एबिट, मतलब एबिट को, एबिट का उन्होंने इलाज किया था ना, डॉक्टर ने उसको बाइट, वो कुत्ते ने उसको बाइट किया था तो. यस मैम. एबिट का मतलब, ये एग्जामिनेट का मतलब होता है इलाज. ठीक है. ओके मैम. ओके ट्रू फॉर, देयर इज ट्रू फॉर, टेक द स्क्रीनशॉट. ओके मैम. हो गया मैम. अरे मैम एरर हो गया, हो गया, हो गया मैम, हो गया. नेक्स्ट इज मैच दीज प्रॉपर्टी, तो हम इसको मैच करेंगे. अच्छा ये क्या करना है, अब आपको इसमें ये भी बता देती हूँ. अच्छा गुरुबा आप, आपकी एक कमी है जो मैं आपको यही बता देती हूँ, ये आपकी नोटबुक है. ठीक है. ओके मैम. हाँ यहाँ पर आप लिखा करो थ्री, पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है ये बता देती हूँ. मान लो ये आपकी नोटबुक है, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, ये हमारा चल रहा है मोरल वैल्यू का, तो यहाँ लिखना है आपको मोरल, मोरल एम एम मोरल एम आर मोरल एम ओ आर ए एल मोरल V A L U E वैल्यू. आपको कैसे लिखना है ऊपर, सबसे ऊपर लिखना है मोरल वैल्यू, यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है मोरल वैल्यू चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर फाइव. ठीक है. देन आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर की स्पेलिंग आप देख लेना, क्वेश्चन आंसर लिख देना. मैं एक मिनट बता ही देती हूँ आपको. यहाँ पर पहले आप लिखना ऊपर थ्री पॉइंट, उसके बाद लिखना राइट, यहाँ जो लिखा है ना गुरुबा ये लिखना राइट ट्रू और फॉल्स. ठीक है. देन उसके बाद आप ये लिखने लग जाना नंबर वन ए बी सी डी डाल के ए ये पूरा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर लिख देना कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, यानी कौन सा फॉल्स है यानी झूठ है और कौन सा ट्रू यानी सच है. ठीक है. ओके. ये सबके लिए वैसे. ठीक है. अब यहाँ हमारा मैचिंग द फॉलोइंग्स है, तो काउ, अब आपको एक यहाँ पर बताया गया इससे आपको मैच करना है. तो मैं पूछूंगी फर्स्ट वाला अरिबा से, सेकंड वाला पूछूंगी मैं गुरुबा से, थर्ड वाला ये लास्ट वाला दोनों में पूछूंगी रक्षी से. तो फर्स्ट काउ, अरिबा बताओ काउ क्या देती है हमें. मिल्क. शीप क्या देती है हमें गुरुबा. वूल इसका मतलब है जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, रुई वगैरह. रुई तो ये, रुई तो वैसे खेती करते हैं रुई की, लेकिन जो इसमें जो शीप के ऊपर जो ये रहता है ना, जो इनके ऊपर ये आ जाता है, मैं कैसे समझाऊं, जो ऊपर बाल आ जाते हैं मोटे मोटे, उनको रुई बोलते हैं, उससे जैकेट वगैरह बनती है. ओके. मोहित, मोहित कौन था रक्षी, रक्षी मोहित कौन था. मोहित, मोहित बहुत, मोहित बहुत है मैम. आबिद नहीं, एबिट, एबिट फ्रेंड. एबिट फ्रेंड. ओके. और डॉग, डॉग था, डॉग 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 था, ग्रो ग्रो बेट अवर हाउस, लेकिन ये भी नोटबुक में करके लेके आना है आपको, क्योंकि ये आप सभी का क्लियर नहीं है. अच्छा क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो आप सब. हो गया मैम. ये आप सभी को एंड मेरे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सारा बता दिया था कि एबिट को डॉग ने क्यों बाइट किया. दूसरा इसमें क्वेश्चन है विच एनिमल हैड बिटन बिटन एबिट, तो एबिट को किसने किया था, तो इसका भी पूरा आंसर है. इसका सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना है कि डॉगी, इसका रीजन लिखना है आगे. ये सिर्फ एक वर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये इसका रीजन लिखना है, यानी इसके दो चार लाइन के क्वेश्चन, एक लाइन का पूरा, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का क्वेश्चन है ये पूरा. ठीक है. तो सिर्फ डॉगी मत आप सब लिख देना.
दूसरा इसमें पूछा है डू यू लाइक टू कीप पेट एट होम, तो इसका मतलब क्या है ये आप सभी को यहाँ लिखना है, लंबा चौड़ा थोड़ा लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड का कोई बच्चा लिख दिया. ओके, इसमें लिखा है लिस्ट सम वेज बाय विच वी कैन शो काइंडनेस टू वर्ड्स, मतलब आपको शो करो जिसमें मतलब आपकी आपके दिल में दयालुता है जानवरों के लिए, ठीक है. तो वो आपको लिख के लेके आना है कि मतलब मेरे दिल में दयालुता है, इंग्लिश में मेरे दिल में दयालुता है एनिमल्स के लिए, ठीक है. और ये स्टोरी स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से वन डे, ठीक है, व्हाइल एबिट वाज प्लेइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रीड करके आप सभी को सुनाना है. और नहीं, हाँ वहीं से है. और अब ये चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है. मैं कह रही हूँ जो रीड करके भेजना उसका आप मुझे चैप्टर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे करके स्क्रीनशॉट करके लिया था तो कि पूरा नहीं आ रहा था, जैसे पूरा चैप्टर आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा था. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यू वॉच द वीडियो एंड देन यू टेक स्क्रीनशॉट, ओके.